प्रिय छात्र, आप सबको स्वागत है। देखिए, अपने भारत देश के राष्ट्रपति कौन कौन है उनका नाम जानते हैं आप? जानते हैं? हाँ, उसमें से सही है, उसमें से अब्दुल कलाम जी का नाम देखिए। पहले ही अब्दुल कलाम जी का नाम लेते हैं आप, बहुत होशियार छात्र हैं आप। तुम्हें इसी तरह आप जो छोटे होने के बाद आपकी जो छोटे होकर बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े होने पर आपके छोटे से आयु में आपकी एक घटना होती है। आप तुम बड़े होने पर वो बड़े होने पर क्या कहते हैं मेरे किस तरह की होती है ये घटना, मैं इस आयु में था इस तरह घटना होती है कहते हैं, क्यों कहते हैं? मैं बचपन में, मेरे बचपन था, मैं छोटा बच्चा था, इसलिए उसी समय में इस तरह की घटना हुई थी, इस तरह याद करते जाते हैं ना आप। उसी जैसे देखिए, आप पढ़ाई के लिए, दसवीं कक्षा पढ़ाई के लिए, मेरा बचपन जो पाठ पढ़ाई के लिए है, ये किसके बारे में है? अब्दुल कलाम जी के बारे में। अपने भारत देश के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी के जीवनी को इस पाठ में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, अब्दुल कलाम जी का परिचय हम पाने के लिए आपके पास अब किताब है ना, आप किताब खोलिए, खोलकर मेरा बचपन पाठ जो निकालिए, मेरा बचपन पाठ जो निकालिए, मेरा बचपन पाठ निकालने के बाद आप लेखक परिचय की ओर आइए। आप लेखक परिचय जो मिला है ना, दिखाई दे रहा है ना आपकी किताब की अंदर, देखिए, मैं इस पाठ में तुम अब्दुल कलाम जी के बचपन में रहते हैं ना, बचपन में वे रहे ना, उस बचपन में रहने वाले की घटना क्या क्या होती है उनके जीवन में। आप बच्चे, आप छोटे थे, बचपन का जीवन में वे क्या, किस तरह की उनको अनुभव हुआ है, क्या क्या काम किया है, उनको किस तरह की मदद हुई है, आप किस तरह की पढ़ाई लिखाई करते थे, आप किस तरह के काम करते थे, उनके माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करते थे, ये सब को तुम जानते हैं। उसके पहले हमें अब्दुल कलाम जी के बारे में, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, लेखक परिचय में भी अब्दुल कलाम जी के बारे में है। आप ध्यान पूर्वक लेखक परिचय की ओर ध्यान दीजिए छात्र। आबुल फकीर जैनाबादी अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम, हम जो छोटी सी जो कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं ना, उनके पीछे कितना ही जो शब्द लिखे है, ये का अर्थ होता है अबुल, पी फकीर, जो पी की फकीर, जे जैनाबादी। देखिए हम क्या कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। APJ अब्दुल कलाम का विस्तृत क्या है, विस्तृत रूप क्या है, उनका पूरा नाम क्या है, उनका अबुल फकीर जैनाबादी अब्दुल कलाम, अब्दुल जी का पूरा नाम मालूम हो गया ना आपको। उसी तरह देखिए, अब्दुल कलाम जी का जन्म, अब्दुल कलाम जी का जन्म 15/10/1931 को हुआ। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 25/7/2002 से 26/7/2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ करोड़ हृदय में प्रतिष्ठित कलाम जी अपने 82 वर्षों की उम्र में भी अनेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहे। बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्णयार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था, मैं क्या दूं, स्व परिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान
अभियान का उद्घोष था, ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। भोपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोलना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह की नारा से इस तरह की सोचते थे कौन? अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। अहुल फकीर जैनाबादीन अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ? 15/10/1931 को हुआ इनका जन्म, 31 को हुआ। ये उनको बड़े वैज्ञानिक, जो विज्ञान के विषय में ये एक वैज्ञानिक है ना, इसलिए उनके वैज्ञानिक विषयों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और वैज्ञानिक वे वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन किया है, उसमें ही उन्होंने अपने साधन कर दिखाया है अपने देश के जो यश की और एक बहुत प्रयास किया है। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी 25/7/2002 से 26/7/2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति बने। कितना ईस्वी से कितने ईस्वी तक वे हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे? 25/7/2002 से 26/7/2007 तक वे क्या बने थे? हमारे देश के राष्ट्रपति थे, देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से हमारे देश के आदर्श राष्ट्रपति और जनवादी, जनों लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों की उन्नति के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए जो योजना लाए हैं इसमें इससे इन्हें कहते हैं जनतावादी राष्ट्रपति के नाम से। भारत के करोड़ करोड़ रुपए में, भारत देश में रहने वाले करोड़ करोड़ कोटि कोटि कहते ना कन्नड़ों से, करोड़ करोड़ हृदय में प्रतिष्ठित हुए हैं। वे उनका तस्वीर हृदय में अभी है, करोड़ करोड़ भारतीयों में उन हृदय में उनका तस्वीर है जी का। वे अपनी 82 वर्षों की उम्र में, अब्दुल कलाम जी ने 82 उम्र में, जो 82 को कन्नड़ में 82 वर्ष में अनेक अनेक सामाजिक प्रगतिशील, हमें कितना है 45-50 वर्ष होने में हमसे कुछ नहीं होता, हमको क्या काम नहीं करते है, हमें अशक्त है, हमारे हमसे काम नहीं कर सकते हैं, हम सोच नहीं सकते हैं, इस तरह हम किस सोचते हैं, हम बूढ़े हो गए इस तरह सोचते हैं। पर अब्दुल कलाम जी ने 82 उम्र में ही उन्होंने क्या किया, अनेक अनेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलन किया है। देखिए आपके घर में अपने दादा दादी है ना, 82 उम्र वाले वे कैसे थे, उसी उम्र में ही अब्दुल कलाम जी ने क्या किया, देखिए आंदोलन किया है, प्रगतिशील आंदोलन में वे आंदोलन करते थे और मैं अत्यंत सक्रिय थे, सक्रिय से आप जो युवकपन जैसे सक्रिय से आप काम करते थे, कौन? अब्दुल कलाम जी सक्रिय काम करते थे बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील, आपके जैसे बच्चों और युवकों से को उन्होंने क्या भरते थे, उन्हें चैतन्यशील, उनका चैतन्यवान होना है, किस तरह चतुराई से रहना है, किस तरह काम करना है, ये सब विचारों को वे बहुमुखी व्यक्तित्व, एक ही मुखी सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं है, बहुमुखी दूसरे दूसरे काम भी सीखना है, दूसरे विषय के बारे में अध्ययन करना है, इस तरह की बहुमुखी व्यक्तित्व, अपने बहुमुखी व्यक्तित्व को वे सिखाते थे, सीखना है ऐसा रहना है, इस तरह की बातों से युवक और बच्चों में वे चैतन्य भरने वाले जो राष्ट्रपति थे। और बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्णयार्थ आपके नए
अभियाना का मंत्र था, उनके आपने ये निर्णयार्थ का मंत्र था, जो बच्चों युवक को एक मुख नहीं होना चाहिए, बहुमुख के निर्णय लेना चाहिए, एक विषय के बारे में एक बार नहीं सोचना है और बार ही सोचना है, और मेरे जो दूसरे विषयों में भी वे भाग लेना है, दूसरों काम सीखना है, विषयों को सीखना है। इस तरह का कि उन्हें अभियान का मंत्र था, उनके अभियान का मंत्र था। मैं क्या दूं, मैं जो मुझे एक भारत माता के पृथ्वी पर जो ये सृष्टिकर्ता ने मुझे सृष्टि किया है, इसलिए मैं हमारे देश में मैं जन्म लिया हूँ, इस देश के लिए इस गांव में जन्म लिया हूँ, इस राज्य में जन्म लिया हूँ, मैं क्या दूँ इसके लिए, इसके प्रति मैं क्या दूँ। स्वप्रेर परिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्घोष था और स्वयं ही दूसरों पर निर्भर नहीं बना है, स्वयं प्रयत्न करना है, स्वयं प्रयत्नशील रहना है। इस तरह की और ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम लेना है, ईमानदार काम करना है, ईमानदारों का नाम लेना है। होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोना चाहते थे कि होमपाल या अभियान के साथ बचपन में ही इन सवालों को बोना है, जो बच्चों के अंदर, युवकों के अंदर, समाज में रहने वाले लोगों के अंदर इस तरह की जो बोना है, विषयों को बोना है। क्या विषय है? मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ? इस प्रश्न को हर एक बच्चों में, हर एक जो युवकों में, हर एक लोगों में आना चाहिए, इन्हें बोना चाहिए। बोना का अर्थ बित्तर, बित्तर बोना चाहिए। इस तरह के भी कहते और समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा समाज या मेरा परिवार परिसर के लिए, समाज या परिसर के लिए, जो समाज में रहने वाले मेरे परिसर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, एक ना एक में नया जो साधन कर दिखाना चाहिए, मेरे समाज में मेरे समाज को किस तरह निर्माण करना चाहिए, मैं किस तरह रहना है, आदर्श गुण अपनाना, आदर्श कार्य करना है, मैं किस तरह की करना है, ये सब बोना है। इस तरह के वे गोपाल और अभियान द्वारा इस तरह लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में सोचते थे। कौन? अब्दुल कलाम जी ने ये दिए गए ये एक पता है, उसको तुम उस पर जो डालकर देखे तो आप सब उसके बारे में तुम्हें बहुत सारी विस्तार रूप से जानकारी मिल सकती है। जो आप किताब के जो कवि के परिचय के अंदर जो एक पता है उसको देखिए, देखने के बाद आपको क्या मिल जाए, बहुत सारे और बहुत सारे ही विचार आपको मिल जाते हैं, इसलिए वे बता दिया है। आप अब्दुल कलाम जी के बारे में जान चुके हैं ना, वे इतना ही नहीं, पाठ के अंदर वे बहुत ही कहा है उनके जो बचपन का जीवन कैसा रहा, इस तरह की वे सब वो परिचय में अपने राष्ट्रपति बनने के बाद इस तरह की जो कार्य किया उसको जाना है। हम मेरा बचपन जो अब्दुल कलाम जी कहते हैं, मेरा बचपन कैसे, अब्दुल कलाम जी मेरा बचपन कैसा रहा है, आप पढ़कर समझ लीजिए। इस तरह लिख के रहे हैं आप, जा मैं पढ़ती जाती हूँ, आप सुनिए। छात्र सदगी धार्मिक सहिष्णुता मिलजुल कर रहना या किताबों पढ़ने की प्रयोजना आदि प्रेरणा मिलती है एक बार से छात्रों को, तो आपको क्या मिलती है, तुमके धार्मिक सहिष्णुताओं को मिलजुल कर रहना, इस तरह की मिलजुल कर रहना, धार्मिक सहिष्णुताओं को, सभी जो वो धर्म वाले ये धर्म वाले इसी ही भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं, ऐसी ही जो हमारे मन में ऐसी ही गुण हम लागू करना चाहिए, हम सोचना चाहिए, समझ लेना चाहिए, इस तरह की प्रेरणा मिलती है पाठ से। और किस तरह मिलजुल कर रहना है, किताबों को पढ़ने से आपको दूसरी किताब को पढ़ने के लिए रहने वाले किताब, सिर्फ ये किताब ही नहीं है, दूसरी किताब को पढ़ने से आपको लाभ क्या होती है, फ़ायदा क्या होती है,
आपकी जो आप कैसे कैसे बुद्धिमान बनते हैं सब के बारे में आप बताएंगे। देखिए अब्दुल कलाम जी के मैं पाठ पढ़ती जाती हूँ, आप पहले सुनिए, देखती जाइए आप किताब के और बाद में उसका अर्थ बताती जाती हूँ, समझ लीजिए। मेरा जन्म जो अब्दुल कलाम जी ने कह रहे हैं, इसमें मेरा जन्म जो अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं, मेरा जन्म मद्रास राज्य जो तमिलनाडु नाम देने के पहले तमिलनाडु को क्या कहते थे, मद्रास राज्य कहते थे। क्या कहते थे? मद्रास राज्य कहते थे। के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरा पिता जलालाबादी की कई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। उनके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीव संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े या सुंदर माता पिता का छोटी कर काटी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुस्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्तिजी वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। मेरा पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी आवश्यकता एवं यशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीजों सचमुच समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सदगी से बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। मैं प्रायशः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती। प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ या तीर्थ स्थल है का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ मुसलमान बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी लक्ष्मी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते रहते थे। जब मैं प्रश्न पूछने लगा लायक बड़ा हुआ तो मैं पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। वे कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतना ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत आयु जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। देखिए बच्चे, आज इतना बस है, अब इसके अर्थ हम जानते जाएंगे। देखिए अब्दुल कलाम जी ने कहते हैं, मेरा जन्म अब्दुल कलाम जी का जो जन्म है, मेरा जन्म मद्रास राज्य जो अब तमिलनाडु कहते हैं, उनको मद्रास राज्य, पहले मद्रास राज्य कहते थे, अब वो क्या कहते हैं, तमिलनाडु कहते हैं। तमिलनाडु का पहला नाम मद्रास राज्य था। वे रामेश्वर कस्बे में
तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक जो एक गांव है उस गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास कहते हैं ना इतना ही वे जो मध्यम वर्गीय परिवार में कुटुंब परिवार इसका अर्थ होता है कुटुंब इस कुटुंब में इस परिवार में उनका जन्म हुआ। अब्दुल कलाम जी के जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम जी के जन्म मद्रास राज्य रामेश्वर कस्बे के मध्यम वर्ग परिवार में हुआ। समझ में आया ना? आगे देखिए, मेरे पिता उनके अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम है जैलाबादीन। अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम क्या है? जैलाबादीन। कि कोई बहुत अच्छे औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। जो अब्दुल कलाम जी के जो पिता होते ना उन्हें औपचारिक शिक्षा जो अपने पढ़ाई लिखाई करते हैं ना इतनी अच्छी शिक्षा नहीं पाए थे उन्हें। सिर्फ पढ़ने के लिए लिखने के लिए आती है, बड़े बड़े जो शिक्षण स्तर उन्हें नहीं पाए थे। ये वो वे नहीं पाए थे उन्हें अब्दुल कलाम जी को ज़्यादा नहीं पढ़े थे उन्हें, थोड़े बहुत पढ़े थे हैं और ना ही अच्छी शिक्षा जो अच्छी शिक्षा नहीं पाए थे उन्हें, थोड़ी बहुत शिक्षा पाए थे। और वे कैसे थे? वे कोई भी बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे, उन्हें धनी व्यक्ति भी नहीं थे। उन्हें उनके पास उनके घर में ज़्यादा ही जो धन नहीं था, वे अमीर नहीं थे, अमीर परिवार वाले नहीं थे। पहले ही कहा गया ना अब्दुल कलाम जी ने वही मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें बहुत धनी व्यक्ति भी नहीं थे, उन्होंने अमीर भी नहीं थे। इसके बावजूद ये दोनों छोड़ दिए तो वे क्या थे? बुद्धिमान थे। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने वाले बुद्धिमान नहीं होते हैं, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा भी शिक्षण पाने वाले जो बुद्धिमान नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत शिक्षा पाए हुए वही भी क्या होते? बुद्धिमान होते हैं। जो अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने का जो बुद्धि अपने साथ हुई तो आप औपचारिक शिक्षा नहीं पाते हैं, है ना? ऐसे व्यक्ति भी हमें समाज में इतिहास के अपने पंक्तियों में ही देखे हैं, कैसे कैसे पढ़े लिखे अनपढ़ जो व्यक्ति है कितना ही साधन करते हैं, कितना कितना ही बड़ा बड़ा काम करते हैं, सब देखे हैं ना। इसी तरह देखिए, उन्हें आडम्बर और उन्हें क्या धनी व्यक्ति नहीं थे। इसके बावजूद ये दो विषय छोड़ने से उन्हें बुद्धिमान थे, बहुत होशियार थे, बहुत बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उदारता दूसरों को गौरव देना, दूसरों को प्यार से बातचीत कराना, दूसरों को अपने घर के अंदर बुलाना, उनके साथ रहना, इस तरह की उन्हें क्या थी? उनको कैसी गुण थी? उदारता। जो कोई भी अपने घर आते हैं कहीं पूछने के लिए, अपनी मदद पूछने के लिए आते हैं, कोई चीज़ पूछने के लिए आते तो उन्हें अपने घर में रहते भी हमें क्या कहते हैं? हमारे घर में नहीं है, हमारे पास नहीं है, इस तरह का ऐसे व्यक्ति नहीं थे, उदारता थी। अपने घर में रहने वालों को दूसरों को बांटते थे, दूसरों को भी अपने साथ लेते थे, दूसरों को भी साथ बैठा कर खाना खिलाते थे, उनके साथ रहते थे, दूसरों को मदद करते थे। ऐसे ही उदारता गुणा में थी अब्दुल कलाम जी के पिताजी के अंदर, ऐसी उदारता का गुण थी। छात्र ऐसा इतना ही नहीं, मेरी माँ उनके माँ के बारे में बता रहे हैं अब्दुल कलाम जी ने। उनके माँ का नाम क्या है? आशी अम्मा का नाम क्या? माँ का अब्दुल कलाम जी का माता का नाम क्या है? आशी अम्मा। जो पिता का नाम क्या है? जैलाबादीन। माता का नाम क्या है? आशी अम्मा। आशी अम्मा कैसी जो औरत थी या महिला थी? देखिए, उनकी आशी अम्मा जो मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी, मेरे पिताजी के आदर्श जीवन संगिनी थी। देखिए कितना अच्छा शब्द है आदर्श। अपने पति जो कहते हैं, अपने पति को समझकर, उनके गुणों को समझकर अपने पति के साथ ही चलने वाली जीवन संगीनी थी। आपके पिता ने कोई खाने के लिए अपने घर
रहते तो अपनी माँ का देती है तो नहीं मालूम होता भाई जरा नहीं किया है, मैं ज्यादा खाना नहीं पकाया है, मैंने पूछे बिना क्यों बुलाए, ऐसे ही कहते हैं ना। आपको भी जो याद है अपने घर में किसी गड़बड़ हुई है ना, ऐसा है ऐसी करने वाली नहीं थी उन्हें माँ, उन्हें अपने पति के साथ पति को समझकर चलने वाली एक आदर्श जीवन संगिनी थी। इतना ही नहीं, मेरे माता पिता को, अब्दुल कलाम जी के माता पिता को हमारे समाज में, मेरे माता पिता को अब्दुल कलाम जी के माता पिता ने को उनके समाज में किस नाम से बुलाते थे, एक आदर्श दंपति कहते थे। अब्दुल कलाम जी के माता पिता को उनके समाज में, जो उनके समाज होता है ना, अब्दुल कलाम जी के समाज में होता है ना, समाज में उनको क्या कहते हैं, आदर्श दंपति कहते थे। दोनों ही बहुत, दोनों के बीच में बहुत समझदारी थी। आप बहुत ही समझकर अपने जो जीवन की, अपने जिंदगी को वही बचाते थे, इसलिए उनका आदर्श दंपति, दंपति के रूप में देखा जाता था, आदर्श के रूप के में देखना जाता था उनके समाज में। अब्दुल कलाम जी के माता पिता, अब्दुल कलाम के समाज में उनके माता पिता को किस तरह देखा जाता था, उनको आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। आदर्श दंपति के रूप में किसको देखा जाता था, अब्दुल कलाम जी के माता पिता को अब्दुल कलाम जी के समाज वाले देखते थे, रूप में देखते थे। इस तरह की जो प्रश्न का उत्तर होती है छात्र, आगे की पंक्तियों की ओर ध्यान दीजिए। मैं कई बच्चों में से एक था, अब्दुल कलाम जी ने कहा है, मैं कई बच्चों में, हमारे जो अब्दुल कलाम जी के माता पिता के बहुत सारे बच्चे थे, वो बच्चों में से, कई बच्चों से खेलो कई कथा पढ़ते केलव केलव मकड़ी नान बना के थे, अभी एक था। मेरे उनके पिता माता पिता कैसे थे, लंबे चौड़े या सुंदर माता पिता थे। अब्दुल कलाम जी के माता पिता कैसे थे, लंबे थे, लंबे मुद्दा चौड़े गप्पा और देखने में सुंदर, अब देखने में कैसे थे, सुंदर थे। उस माता पिता के छोटी कंध, जो अब्दुल कलाम जी के बारे में ये कैसे थे, मेरी छोटी कंध, मेरा जो कंध भुजा होता है ना, छोटी कंध काटी का साधन, काटी का साधन सहा दिखने वाला, जो मेरी छोटी कंध काटी जैसी लंबा चित्रा, मेरा कंध जो होता है काटी जैसी होती है दिखने वाला बच्चा था। अब्दुल कलाम जी देखे है ना, छोटे है, पतले है ना, इसलिए मैं था, ऐसा था। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, जो हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते, पट्टियों से बने हुए घर को पुश्तैनी घर कहते हैं छात्र, यहाँ पर देखिए, पट्टियों से बनने वाली जो तला हुआ जो घर को हमें क्या कहते हैं, पुश्तैनी घर कहते हैं छात्र, देखिए घर में रहते थे। रामेश्वर की मस्जिदी वाली, रामेश्वरम नली मस्जिदी वाली, मस्जिदी इरुवंता मस्जिदी वाली गली में, गली ओणियली एरिया बड़ावड़े गली में बना हुआ अब्दुल कलाम जी के घर मस्जिदी वाली गली में रहती थी। बना हुआ घर किससे बना था, अब्दुल कलाम जी के घर किससे बना था, अब्दुल कलाम जी के घर कहाँ रहा था, अब्दुल कलाम जी के घर रामेश्वरम के मस्जिदी वाली गली में रहता था। अब्दुल कलाम जी के घर किससे बना था, देखिए इसका जो उत्तर आगे मिलता है, घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। उनका घर किससे बना था, चूने और किससे, पत्थर और ईंट से, चूने सुन्ना पत्थर तल्लू मत्तु ईंट इटके इंद तैयारवंतह पक्का मने, अंदरे तुम्बा चेन्नागिरुवंत मने, पक्का मने बड़ा दौड़ मने, ಏನಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಬಡಾ ಕರ್ತ ಮೇರೆ ಪಿತಾ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥೇ ಜೋ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿಗೆ ಪಿತಾ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥೇ ಆಡಂಬರಹೀನ ಗರ್ವ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ದೂಸರೋಂ ಕೋ ತಂಗ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ
इस तरह हाँ रहने घर में जो ये एक चीज रहता हमारे घर में बहुत सारे कर रहे इस तरह दूसरों के सामने जो कहाना ऐसा हा गुण वाले व्यक्ति नहीं थे आडम्बरहीन व्यक्ति थे। घर में कितना ही चीज चाहिए अपने जो अपने उपयोग के लिए अपने चाहने वाली चीजों को ही सिर्फ उनमें घर में डाल दिला कर डाल देते इस तरह आडम्बरहीन व्यक्ति थे। और सब आवश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। आराम वाली चीजों से ऐशोराम चीजों से हमें बड़े बड़े बंगला कार हमें रहने वाले कपड़े अच्छे अच्छे बहुत पैसे वाले कपड़े पहनना ये घर में जो नहीं हमें नहीं इससे नहीं घर में हमने उसको उपयोग नहीं है शो के लिए रख लेते हैं कुछ चीज़ों को ऐसा ही नहीं करते थे उन्हें ऐसा ही नहीं करते थे उन्हें। और उन्हें क्या करते थे आराम वाली चीज़ों से वे क्या करना है हर दिन काम करना है पसीना बहाना है और काम करना है कमाई करना है पैसे कमाना है हर दिन क्रिया काम करते करते ही रहना है इस तरह की अपनी भावना थी अब्दुल कलाम जी के पिता के अंदर इस तरह की भावना थी। पर घर में सभी आवश्यक चीजें सचमुच मात्र में सुलभता से उपलब्ध थी। घर में मैं पहले बताया ना घर में चीज चाहिए वो सब सब आवश्यक चीज जो होती है वे सब उनके घर में उपलब्ध थे उनके था सभी चीजें वो घर में रहती थी उपलब्ध थी जो मिलती थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरे बचपन बहुत ही वास्तव में अब्दुल कलाम जी ने कहते हैं मैं सचमुच ही कहना चाहता था क्योंकि मेरा बचपन जो है बहुत कुछ भी चिंता नहीं थी समय समय पर खाना मिल जाता था ठीक समय से हो जाता था खेलने के लिए स्वतंत्र था उनको सभी मिल जाता था चीज उनकी आवश्यक चीजों को सभी मिल जाता था इसलिए वे अपने बचपन में बहुत क्या निश्चिंतता से किसी भी विषयों के बारे में चिंता नहीं थी उनको इसलिए वे कहते मेरे बचपन निश्चिंतता से सदी की से बीता कुछ भी मालूम नहीं इस तरह बीता बहुत ही कई वो भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से भावनात्मक दृष्टियों से कैसे सही मार्ग पर कैसे चलना कैसे काम करना कैसे रहना ये सब उनके घर में मिलते थे। और उनको पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या हो तो उनकी समस्याओं को उनका पूरे करने को भी वे भी उनको ज्ञान मिलता था ये सब से उन्हें दोनों ही दृष्टिकोण से वे क्या रहे थे निश्चितता से रहते थे उनका कुछ रहता था। मैं प्रायशः अपनी माँ के साथ ही अब्दुल कलाम जी ने कहते हैं मैं प्रायशः मुझे याद है मुझे अपने खाने के लिए मैंने अब्दुल कलाम जी ने क्या बैठते थे अपने माँ के पास ही बैठते थे। माँ जो अपने घर में क्या करते रसोई घर में ही काम करते रहते थे ना इसलिए अब्दुल कलाम जी ने खाने के लिए जो माँ के साथ ही बैठते थे जो माँ ने उसे क्या क्या देती है आप देखते जाएंगे। देखिए अपनी माँ के साथ ही रसोई घर में रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। अब्दुल कलाम जी ने कहते हैं मैं रसोई घर में ही बैठकर रसोई खाना पकाने वाला घर करने में कहते हैं अड़गे मने कहते हैं ना रसोई घर में बैठकर वहाँ ही बैठ कर ने खाना खाया माँ के पास ही ने खाया करता था। खाने के लिए अब्दुल कलाम जी ने अपनी माँ क्या क्या दिया है इस प्रश्न का उत्तर मिलता है वे मेरे सामने जो माँ ने दिया मेरी माँ जो कहते मेरे माँ ने मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती है। माँ जो कलाम जी के सामने इधर गढ़े केले के पत्ते केले क्या है बाड़ेहण केले के पत्ते बाड़े एले पत्ते इसका अर्थ इले बाड़े एले बिछाती है आंसू और फिर उस पर चावल जो अपने अन्न कहते हैं ना अन्न बनाना चाहते हैं ना इसीलिए अन्न चावल एवं सुगंधित जो माँ बना हुआ जो सांभर है सुगंधित जो माँ सुगंध जो वासने सुगंधित वासने तुम चेना परमण बरत सांबार सार सांबार स्वादिष्ट रुचिया स्वादिष्ट रुचिया सांबार डालती सांबार हाँती साथ में
सो साथ उनके साथ क्या करते खाने खाने के लिए, घर का बना अचार, साथ लिए घर का बना अचार, अपने घर में ही माँ ने बना हुआ अचार है, अपने घर में ही माँ बना हुआ अचार थे, और नारियल की ताजी चटनी भी होती, नारियल की ताजी चटनी। अच्छा घर का बना हुआ अचार माने ये मारे होता उप्पिनकाई, अचार का अर्थ होता है घर में उप्पिनकाई, माने ये मारे होता उप्पिनकाई अचार, और नारियल नारियल तेंगिनकाई कोबरी नारियल अंदर तेंगिनकाई, नारियल की चटनी अंदर कोबरी चटनी, चटनी अंदर ताजी आवा ताने काय ಹೊಡೆದು ಅವಾಗ ತಾನೇ ಮಾಡುವಂತ ಚಟ್ನಿ, ತಾಜಿ ಚಟ್ನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ತಾಜಿ ಚಟ್ನಿ ಬಿ ಹೊತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಜೋ ಪಂಕ್ತಿಯೋ ಕೋ ಔರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಕರ್ತಿ ಹೂ ಆಪ್ ಅಚ್ಛಿ ತರಹ ದೇಖ್ ಲೀಜಿಯೇ ಛಾತ್ರ. ಮೈಂ ಪ್ರಹಶಃ ಅಪ್ನಿ ಮಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಿ ರಸೋಯಿ ಮೇ ನೀಚೆ ಬೈಠಕರ್ ಖಾನಾ ಖಾಯಾ ಕರ್ತಾ ಥಾ, ವೇ ಮೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕೇಲೆ ಕಾ ಪತ್ತಾ ಬಿಛಾತಿ और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती. देखिए दो अंक वाले तीन अंक वाले प्रश्न का उत्तर यही इस पंक्तियों में ही मिल जाता है. ये बहुत ही जो प्रमुख है, ये जो पंक्तियाँ हैं बहुत प्रमुख है, आप ध्यानपूर्वक घर में जाकर और एक बार पढ़िए, किताब को अच्छी तरह पढ़िए. जो पाठ को आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, आप बहुत सारे अंक पाना हो तो तुम्हें क्या करना है, आपके पाठ को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, आप शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए, तो तुम्हें लिखने में बहुत आसान हो जाता है. आप लिखना है पढ़ना है ऐसी क्रिया जो चलती तो तुम अच्छा कर पाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए तुम्हें आसान हो जाती है. इसलिए मैं कह रहा हूँ आज घर में अच्छी तरह पढ़ना चाहिए. अब आगे की पंक्ति की ओर जाएंगे हमें. अजी अभी क्या क्या किया है देखिए. प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था. प्रतिष्ठित प्रसिद्ध वाला शिव मंदिर है रामेश्वरम, इसलिए अब तीर्थस्थलवे प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, तीर्थस्थल प्रसिद्धवंत शिव मंदिर कारण रामेश्वर प्रसिद्धव तीर्थस्थल मारोना कर्नाटक इसी खाते हैं. कन्नड़ में लिखने के लिए मैं जो कुछ वाक्य जो देते हैं ऐसी तरह लिखना है छात्र, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए पाठ के ओर ध्यान दीजिए. है हमारे घर से 10 मिनट दूर पैदल रास्ता था उस शिव मंदिर को जाने के लिए. अब्दुल कलाम जी से घर से कितना मिनट था, 10 मिनट पैदल कालनड़गे, पैदल का अर्थ होता है कालनड़गे, कालनड़गे का रास्ता था ಇಷ್ಟು ದೂರ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು. ಜಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇ ಆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇ ಹಮ್ ರಹತೆ, ಆ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಇರುವಂತಹ ಆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ. ವಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಲತಾ, ವಹ ಬಹುಲತಾ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ, ಬಹುಲತಾ ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾಯೆ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಹೋತಿ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ವೇ ಹೋತೆ ಬಹುಲತಾ ಮೇ ವೇ ಹೋತೆ ದೇಖಿ ಎ ತೋ. लेकिन वहाँ शिव मंदिर था और मुस्लिम जो लोग हैं उस पर बहुलता से बहुत थे, बहुत ही अपने घर था, मुस्लिम जो परिवार बहुत था उन्हें, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे, वहाँ कुछ हिंदू के लोग हिंदू कुटुंबों इत मुस्लिम कुटुंबों इत जो हिंदू कुटुंबों इत जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलकर रहते थे. जो हिंदू परिवार वाले मुसलमान पड़ोसी, पड़ोसी का अर्थ होता है पक्कुद मने हुए, पड़ोसी पक्कुद मने हुए, और उनके साथ मिलजुल कर रहते थे बंदाड़ी के इंदा, मिलजुल कर इसका अर्थ होता है कहते हैं बंदाड़ी के इंदा इतना ही, मिलजुल कर रहते बंदाड़ी के इंदा इतना ही. हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, नम ऐरियादली बहुत पुरानी बहुत हिंदी पुरानी बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे.
शाम हो जाती तो मेरे पिताजी ने क्या करते थे, शाम को उनके साथ मुझे भी नमाज पढ़ने के लिए अब्दुल कलाम जी को भी साथ ले जाते थे। अब्दुल कलाम जी के पिता के साथ अब्दुल कलाम जी भी नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। एक पुरानी मस्जिद थी, मस्जिदी में उनके पिताजी के साथ अब्दुल कलाम जी भी मस्जिद पढ़ नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। आगे की पंक्ति की ओर ध्यान दीजिए छात्र। रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। उसके साथ देखिए, रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे, उसका नाम का क्या है, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री था। वे अब्दुल कलाम जी के पिता अभिन्न मित्र थे, दोनों को दूर नहीं करना। आप बहुत आपसी में रहते थे, दोनों ही एक साथ रहते थे, बातचीत करते थे, मित्र बहुत आत्मीय अभिन्न मित्र थे। अभिन्न जो आप अवरिंदा भिन्न पढ़ सके आगे लगा, आत्मीय मित्र लगे थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे वो दोनों, इस बात की वो चर्चा करते थे, आध्यात्मिक विचार का विज्ञान वो चर्चा मारते थे, विचारों के बारे में चर्चा करते थे। सब में प्रश्न पूछने, जब मैं प्रश्न पूछने लायक खड़ा हुआ तो नान प्रश्न केड़ोष्टु दौड़वनागे अंत नानु नम तुम्हें प्रश्न केड़े तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रसंगिता के बारे में पूछा। नान प्रश्न केड़ोष्टु दौड़वनागे अंतर्रे सारी नान यो नन तेवर के नान प्रश्न केड़े या किसके बारे में, नमाज के बारे में। समाज के बारे में अब्दुल कलाम जी ने प्रश्न पूछने वाले लायक जो बढ़ गए हैं उसे पहला प्रश्न अपने पिताजी को पूछा था, उन्हें इसके बारे में नमाज की प्रसंगिता के बारे में, नमाज का विस्तार वो क्या है, नमाज में क्या है, क्या अंश है, इसके पूछे थे। उन्होंने वे कहते अपने पिताजी ने अब्दुल कलाम जी को कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ने हो तो तुम अपने शरीर से इतना ब्रह्मांड का ये हिस्सा बन सकते हो। तुम नमाज पढ़ते तो रोज नमाज पढ़ते तो पिताजी ने कहते हैं, तुम रोज नमाज पढ़ने तो क्या बन जाते हैं, पढ़ते तो अपने शरीर से इतना ब्रह्मांड हो सकते हैं, अपना शरीर ये ब्रह्मांड बन जाता है आप रोज नमाज पढ़ने से, ये हिस्सा बन जाते, ये ब्रह्मांड का एक भाग हिस्सा होता है, भाग एक भाग बन जाते हो तुम ब्रह्मांड का, आध्यात्मिक जो लोक है ब्रह्मांड है उसका एक हिस्सा बन जाते हो तुम, जिसमें जो उसमें क्या नहीं, दौलत की बात नहीं, नमाज पढ़ने के लिए किसी का दौलत नहीं चाहिए, दौलत के लिए नमाज नहीं पढ़ना है। दूसरों देखते हैं, दूसरे देखते हैं इतना अच्छी तरह पूजा करना, नहीं देखते तो बुरी तरह पूजा करके हिस्सा नहीं करना, इसकी दौलत की बात नहीं है। आयु इसे आयु इस आयु होने वाले ही नमाज पढ़ना है, इस तरह की नहीं होती है, किसी जाति वाले भी नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें नमाज में कोई धर्म बंध की कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई भी नमाज पढ़ते हैं, कोई भी भगवद गीता पढ़ना है, हमारे हिंदू ने भगवद गीता पढ़ता है, मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, वही नमाज करते हैं, हम पूजा करने के लिए जाते हैं, हमें उनके दोनों पढ़ते कहते हैं पिताजी ने, इनमें कोई दौलत आयु या किसी धर्म पंथ जाति का भेदभाव नहीं है, सबने नमाज पढ़ने की कोई भी गलतियां नहीं होती। इस तरह अपने पिताजी ने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, इस तरह ने अपने पिताजी को उत्तर नमाज के बारे में वे जान चुके हैं। बच्चे ये सब पाठ समझ में आया ना सबको, आप घर जाकर अच्छी तरह पर आज जो किया हुआ जो भाग है उसी तक अच्छी तरह जाकर दो तीन बार पाठ पढ़िए, लिखिए, उसमें आने वाले अभ्यास में आने वाले प्रश्नों को एक जा जो पढ़ लीजिए, उसमें आने वाले प्रश्नों का उत्तर को आप ही लिखना चाहिए, ऐसे तो ऐसा ही करने से तुम्हें क्या हो जाते हैं वो शय हो जाते समझ सकते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह पाठ बैठ कर सुने हैं, पाठ में सब समझ में आया ना, अच्छा है पाठ, इसलिए आप सभी अच्छे तरह ध्यान से पाठ सुने, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।